हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलो, हम स्क्वाड के साथ आज रैंक खेलने जा रहे हैं, उसकी वीडियो बनाने के लिए कि देखते हैं बन उन पाते हैं कि नहीं गाइस। तो चलो, हम तुम्हें पूरी फुल वीडियो आज दिखाएंगे कि कैसे मास्टर पुश किया जाता है। तो वीडियो आगे चलने से पहले, मेरे चैनल पे नया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना गाइस। तो फिर हम गेम में आगे चलते हैं गाइस, लॉबी में। गाइस, अगर तुम्हारी परमानेंट स्क्वाड रहेगी तभी मज़ा आएगा पुश करने में मास्टर के लिए। और बंदे अच्छे होने चाहिए, साथ में रहना चाहिए। थोड़ा से नॉर्मल बंदे रहेंगे तब भी चल जाएंगे, मगर साथ में रहना चाहिए गाइस। देखो, ये तो मीडियम लॉबी आई है गाइस, बहुत अच्छी नहीं है ना, बहुत ही ख़राब है, मीडियम लॉबी है। मगर साथ में रहेंगे तभी मार पाएंगे, अलग अलग जाएंगे तो मारे जाएंगे। एकाक बंदा साथ में नहीं रहेगा तो गाइस चल जाएगा, मगर तीन बंदे साथ में रहना चाहिए। अगर किसी को भाई ज़्यादा किलूल चाहिए तो अकेला जाए, हम लोग तो ज़्यादातर साथ में रहते हैं। एक आध बंदे गाइस अलग भले चला जाता है। तो देख लो, एकदम लॉबी मैंने पूरी दिखा दी है, इसीलिए लॉबी कट नहीं करी गाइस। क्योंकि हर हर यूट्यूबर तो कभी लॉबी दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा, और क्या बोलते हैं वो लोग तो प्लाटीना पे रहेंगे और ग्रैंड मास्टर की वीडियो कह के डालेंगे। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ गाइस कि प्लाटीना पे रहूँ और उठा के डालूँ ग्रैंड मास्टर की वीडियो। तो गाइस ऐसा काम नहीं है मेरा। तो हम चलो लैंडिंग करते हैं अच्छे से गाइस। इसमें गाइस मैं आगे चल के बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊँगा पुश करने की। गाइस देखो, करेक्टर स्किल फाल्को सब ले लेना है, ठीक है? ओके, करेक्टर तो ज़रूर से लेना है। हमारा एक बंदा अलग जा रहा है, तीन बंदे हम लोग अलग जाएंगे लूट करने के लिए गाइस। तो वहाँ चलते हैं, यहाँ कोई बंदा नहीं आ रहा है, स्कैनर पे तो नहीं दिख रहा गाइस। उस तरीके से आ जाए तो बात ही अलग है। तो गाइस यहाँ की थोड़ी सी वीडियो मैं कट कर दूंगा, और बाकी लूट लूट जोन करेंगे, थोड़ी सी लूट दिखा देंगे और लूट की वीडियो कट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो देखने में दिक्कत होगी। तुम लोग भी कहोगे कि इतनी लंबी बड़ी वीडियो कौन देखेगा गाइस। तो हम यहाँ की वीडियो थोड़ा सा कट कर देंगे, थोड़ा सा लूट दिखा देते हैं कि देखो यहाँ ऐसे लूट करते हैं। और अपने मनपसंद की गन सब लोग ले लेना, ठीक है? जो सबसे अच्छी गन तुम्हें से चलती है वो उसी को ले लेना है गाइस। तो सब टोकन ओकन यहाँ गुलवाल उलवाल खरीद के, वेस्ट हेलमेट, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि वेस्ट हेलमेट बहुत ज़रूरी है गाइस, वेस्ट हेलमेट ले लिया करो। देखो मैंने सब कुछ ले लिया है, ठीक है? अब हम आगे चलेंगे और फाइट वेट करेंगे, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड के पास गुलवाल नहीं है, तो इसको हम चार गुलवाल दे देते हैं। तीन ही गुलवाल लिया है, फिर भी हमारे पास 10 गुलवाल है। तो गाइस चलो आगे चलते हैं, तबाही मचाएंगे गाइस। देखो गाइस, अभी तो फर्स्ट जोन है, तो हम लोग चाहे जैसे मतलब बीच उच में रह सकते हैं। और गाइस तीसरे जोन के बाद तो बीच में बिल्कुल मत रहना गाइस, एक साइड हो जाना जोन के, वरना चारी तरफ से पड़ती है, ये तो तुम्हें पता है। इस मैप में तो एकदम चारी तरफ से पड़ती है गाइस। तो वीडियो ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज मास्टर के लिए गाइस। तो देखो, मास्टर के लिए स्क्वाड तो ज़रूरी है, जो अपनी स्क्वाड रहे। ऐसा नहीं है कि रेंडम बंदे के साथ कोई पुश करता है गाइस, सबकी स्क्वाड होती है। देखो हमारी भी स्क्वाड है कि हम
मास्टर पुश करते हैं या ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं। गाइस अभी हम ग्रैंड मास्टर नहीं पुश करते हैं, और आगे चल के हम ग्रैंड मास्टर भी पुश करेंगे, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी हमारा कुछ मोनेटाइजेशन में बचा हुआ है, तो हमारा मोनेटाइज हो जाएगा तब हम ग्रैंड मास्टर पुश करेंगे। गाइस तुम्हें वो भी वीडियो दिखाएंगे कि ग्रैंड मास्टर कैसे पुश किया जाता है। देखो पहले पहले मैंने ग्रैंड मास्टर पुश किया था, तो उसमें की बहुत मज़े की वीडियो नीचे हुए डाली है, तो उसमें मैंने पूरी पूरी वीडियो डाली है, कि उसमें एकदम जाके तुम देख सकते हो कि कैसे ग्रैंड मास्टर पुश किया जाता है। उसमें कहीं तीन बंदे हैं तो कहीं चार बंदे ग्रैंड मास्टर के हैं, तो उसमें जाके नीचे एकदम नीचे वीडियो में तुम देख सकते हो कि उसमें ग्रैंड मास्टर कैसे हम लोग पुश किए हैं। अगर तुम्हें पुश करना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हो भाई। नीचे वीडियो कम से कम 25-30 होगी ग्रैंड मास्टर पुश करने की। तो देखो मास्टर के लिए, ग्रैंड मास्टर के लिए ऐसे ही खेल के पुश किया जाता है जैसे ये वीडियो हम पुश कर रहे हैं, मगर क्या बोलते हैं, शुरुआत से ही पुश करना है, ये नहीं कि दो दिन चार दिन निकल जाएगा तभी पुश करेंगे, नहीं गाइस, उसके लिए जिस दिन रैग गिरता है उसी दिन पुश किया जाता है। तो सामने एक बंदा हमें मार रहा है तो उसको हम डाउन कर दिए हैं गाइस। इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मार दो गाइस। हम वहाँ चलते हैं, उसकी पेटी लूटते हैं, देखते हैं गाइस उसकी पेटी में क्या है। हमारे 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 बंदे को यहाँ पड़ रही है गाइस। गाइस सब लोग मरते हैं, चाहे ग्रैंड मास्टर को, चाहे सीजन वन हो, चाहे सीजन टू हो, कोई भी हो, सब मारे जाते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि कोई कोई नहीं मरता है गाइस, सब लोग मारे जाते हैं। देखो हमारा एक बंदा मारा गया है, तो मगर यही चीज़ है कि हमारे बंदे मारे जाते हैं, हम तुरंत सबसे पहले रिवाइव करते हैं गाइस, क्योंकि अगर रिवाइव नहीं करेंगे गाइस तो ये समझ लो कि माइनस के सिवा कुछ भी नहीं होगा। देखो हमसे पहले और एक बंदा पहुंच गया, क्योंकि अगर रिवाइव नहीं करेंगे तो गाइस कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारा माइनस के सिवा प्लस नहीं लगेगा गाइस। तो इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि एक बंदा मारा जाए तुरंत गुलवाल लगाओ और उस बंदे को मारो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अपने टीम को बचाओ, टीम बचे रहेगी तुम भी बचे रहोगे, अगर टीम भी मारी जाएगी तो तुम भी मारे जाओगे। तो यही है गाइस रैंक पुश करने का ट्रिक, कि जैसे ही तुम्हारा बंदा मारा जाए वैसे ही उसको रिवाइव करो, यही हम लोग करते हैं गाइस। पूरे गेम में देखना, अभी जैसे हमारे बंदे मारे जाएंगे वैसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ एक बंदा जा रहा है, इसको वन टैप लग गया है गाइस। इस कार से मुझसे वन टैप लगता है और कोई गन से नहीं लगता गाइस, और इस कार मुझसे बहुत अच्छी, आजकल इस कार भी बहुत अच्छी चलती है गाइस, तो हम इस कार ही चलाते हैं आजकल, क्योंकि हमारा वन टैप तो लगता नहीं गाइस। अब फोन इतना गाइस लैग करता है ना, स्कोप खोलो नीचे सामने एनिमी पर लगाओ तो इतनी ऊपर लग जाता है कि कहने वाली बात नहीं। देखो यहाँ एक बंदा मारा, तीन किल हो गई हमारी गाइस, चौथा बंदा सामने है, चलो वो गाइस बच गया है चौथा बंदा। ओ भाई इधर से एक बंदा आ गया, वो फाइनली इसको वन टैप लग गया गाइस। तो मेरे चैनल पे नया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दो गाइस, और पैसा वैसा नहीं लगता है गाइस। यहाँ से एक बंदा फिर आ गया गाइस, चलो हम उसको उधर से चलते हैं मारते हैं गाइस, क्योंकि ये देखो ये जोन में फंसे रहेंगे तो यही होगा गाइस, तुम भी जोन में मत फंसना और जोन के बाहर हमेशा रहना गाइस। देखो मैं बाहर बाहर से खेल रहा हूँ, अभी ये देखो ये मारा जाएगा बंदा, स्क्वाड के साथ रहेगा तो बचेगा गाइस, जो भी स्क्वाड के साथ रहेगा बचेगा, जो स्क्वाड के साथ नहीं रहेगा तो वो बचने वाला नहीं है गाइस। यहाँ एक बम मैं फेंक देता हूँ गाइस, तो बम फेंकने से पहले वो गाइस उधर की ओर चला गया यार, तो वो कहाँ भाग रहा है यार, वो कहाँ बचेगा, खुले में इसी भागेगा तो कैसे बचेगा गाइस।
चलो गाइस आगे चलते हैं। फाइनली 5 किल मेरी हो गई है, तो इसकी पेटी लूटते हैं गाइस। क्या है इसकी पेटी में देखते हैं। इसकी पेटी में कोई गुलवाल नहीं गाइस, इसीलिए तो ये भाग रहा था गाइस। इसीलिए मैं कहता हूँ 8 गुलवाल, 10 गुलवाल, 5 गुलवाल कम से कम रखे रहो गाइस। तो चलो गाइस वीडियो में आगे चलते हैं। देखो गाइस 3 लेवल का वेस्ट और 3 लेवल का हेलमेट ये ज़रूर से ले लेना। और दूसरी चीज़, अपनी ईपी ख़त्म मत होने दो। ईपी हमेशा बढ़ा के रखो कि जोन में कहाँ फंस जाओ या कैसे निकलना हो ये कोई नहीं बता सकता गाइस कि जोन में कहाँ फंस जाए। देख रहे हो हमारे दोस्त लोग किल पे किल करे जा रहे हैं और हम तो नुबड़े हैं गाइस। तो चलो कोई बात नहीं, 5 किल तो हो गई है इस नुबड़े की गाइस। देख रहे हो हमारे हमारे दोस्त लोग तो किल पे किल करे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें भी मिलेगी भाई साहब किल उल। चलो गाइस तो हम फाइनली सेफ जोन में चलते हैं, वरना हमारा भी इनमी तस्से हाल होगा गाइस। तो हम चलते हैं सेफ जोन। सामने एक बंदा है गाइस, चल भाई तू भी निकल ले। 6 किल हो गई फाइनली गाइस। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई की 6 किल तो हो गई है गाइस। और हमारे टीम में कोई भी नहीं मरा है अभी गाइस, सब जिंदा है। और सबके पास गाइस देखो टोकन है। अभी 5 बंदे और बचे हैं गाइस, देखते हैं 5 बंदे कहाँ हैं। एक बंदा उधर है, चलो फाइनली 7 किल हो गई तुम्हारे भाई की गाइस। इसी तरीके से तुम्हें पुश करना है गाइस, और टिप्स एंड ट्रिक यही है गाइस कि अपने स्क्वाड के साथ रहो और 3 लेवल हेलमेट, 3 लेवल वेस्ट ये सब एकदम इसका रुखसार मैक्स करके गाइस। जो भी तुम्हें गन सबसे अच्छी चलानी आती है तो उसी को चलाओ गाइस, क्योंकि गाइस अब मैं किल नहीं करूँगा क्योंकि उन लोग का वो लोग मास्टर पे जाने हैं गाइस, तो उन लोगों को किल चाहिए। तो अब मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसमें से एक बंदे की किल नहीं हुई है, तो वो कर ले गाइस। मेरी 7 किल फाइनली हो ही गई है गाइस, मैं क्या करूँ, 2 ही बंदे बचे हैं तो एक आध बंदा मिलेगा गाइस तो उसको हम मारेंगे ज़रूर। पता नहीं कहाँ, इतना कुल घर है गाइस यहाँ पे तो कहाँ से पता चलेगा। फाइनली टोकन देखो मशीन वशीन के लग छोड़ दिए हैं, देखो 2000 टोकन मेरे पास भी है। तो गाइस बंदे मिलने वाले नहीं हैं, वो कहीं छुपे उपे होंगे, अपना रैंक नहीं माइनस कराना चाहते हैं गाइस। अभी मिलेंगे, जब छोटा जोन होगा तब मिलेंगे, अभी तो कहीं घर होर पे बैठे होंगे कंटेनर उंटेनर के अंदर। इसमें एक बंदा है गाइस, एक बंदे की हमारे किल नहीं हुई है, तो उसके लिए हम उसको बुला रहे हैं कि अपने टीममेट को रिवाइव करो और हम लोग को किल मिल जाएगी। या देखो यहाँ एक बंदा है गाइस, देख रहे हो ना, ये मार रहा है ना कुछ, इसका नेट चला गया है। चलो गाइस चैनल पे नया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऐसे ही ऑन कर देना गाइस। वो देखो वो लोग तो एकदम देख रहे हो गाइस, वहाँ टोकन भी रखा है उसके बाद भी नहीं बचा रहे हैं। तो चलो फाइनली गाइस ये हमारा हो गया है बहुत आराम से। चैनल पे नया है तो लाइक करके सब्सक्राइब